तो हेलो भाई लोग, भाई आज की वीडियो में मैं आप देखो फिर से खेल रहा हूँ रैंक सोर्स स्क्वाड। और भाई यहाँ पे मैंने अगेन अज्जू वाला कपड़ा पहना लिया है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा ओपी गेम प्ले होने वाली। तो भाई ध्यान से इस वाली गेम प्ले को तो बिल्कुल ही मिस मत करना। भाई देखो सामने यहाँ पे मेरे बगल में सिर्फ एक अकेला बंदा लैंड हुआ है जो कि शायद यहाँ पे खेल रहा है सोलो स्क्वाड। तो हम लोग चलो पहले चलते हैं उस वाले बंदे को मारने। लेकिन भाई ये बंदा यहाँ पे इसकी फुट से अगल बगल कहीं पर आ रही है मेरे ख्याल से, ये बंदा कहीं अगले बगल है। तो हम लोग पहले यहाँ पे लॉन्ग गन के साथ इस वाले बंदे को मार देंगे क्योंकि अभी इसके बाद ज़्यादा चिकन होगी नहीं। लेकिन रुको रुको एक सेकंड, शायद से ये वाला बंदा इस वाले घर के ऊपर है। रुक जो शायद मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि भाई मुझे फुट स्टेप पूरी की पूरी यहीं से ज़्यादा आ रही है। रुको एक बार यहाँ पे छुप कर देखते हैं ये बंदा। अरे भाई देखो सही ऊपर है, क्या बोलते हो भाई, इसको एमटन नहीं मिल गई यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे भी ऊपर जाता हूँ तो ये बंदा मुझे मार देगा। अब आप लोग देखना मैं यहाँ पे कैसा आई क्यू लगा कि इसको मारता हूँ। भाई देखो इस वाले बंदे को भी नहीं पता है कि मैं कहाँ पे हूँ। अब मैं इसके सामने से यहाँ पे जाऊँगा अंदर ताकि इस बंदे को मालूम चल जाए कि मैं इधर जा रहा हूँ। देखो इस बंदे ने मुझे देख लिया, अब मैं यहाँ पे आके करूँगा थोड़ी फायरिंग जिससे ये बंदे को लगे कि यहाँ पे कोई और बंदा आ चुका है और वो बंदा मुझे डैमेज देने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ये बंदे के सारे के साथ ध्यान आ जाएगा इधर तरफ। अब मैं चुप्पे चुप्पे यहाँ पे एकदम जाऊंगा और लो भाई यहाँ से मैं चला जाऊंगा ऊपर। अब जिस चिमकंडी को नहीं पता है कि मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब हम लोग इसको चल के लॉन्ग गन से मारते हैं। इसको उनका मैंने डैमेज दिया और लो भाई इस बंदे को मैंने यहाँ पे धोखे से करके मार दिया। अब भाई इसके लास्ट में एमटन है तो चलो बिना के देखिए मैं यहाँ पे एमटन लूट लेता हूँ। अब भाई यहाँ वैसे और कोई बंदा है नहीं, तो अब हम लोग जाएंगे और आगे। तब तक आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई मैं आप देखो और आगे आ चुका हूँ। लेकिन भाई साहब यहाँ पे सामने ही वाले घर पे तीन स्ट्राइक को लड़ाई कर रही थी। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और भाई मैंने एक बंदे को अभी मार दिया जो कि यहाँ पे एक स्क्वाड का बंदा था। इसको मैंने पूरा मार दिया लेकिन भाई इसके टीममेट भी यहाँ पे अगल बगल में हैं। चलो पहले इसका टीममेट लोग को मारते हैं। और भाई साहब इसका टीममेट के यहाँ पे एकदम मेरे पास में आ चुका है क्योंकि मुझे इसके टीममेट के यहाँ पे पूरी पूरी फुट स्टेप आ चुकी है। और भाई देखो यहाँ पे फेक क्या क्या फेंक रहा है भाई साहब धुआं हुआ। चलो हम लोग यहाँ पे जल्दी से खिड़की से कूदते हैं उस तरफ क्योंकि भाई ये बंदा यहाँ पे इधर ही खड़ा होगा। अभी भाई देखो ये आ गया, क्या बोल रहा था। अब भाई मैं इस तरफ आ चुका सेफ में। अब ये बंदा यहाँ से जैसे ही ऊपर आएगा मैं इसको मार दूंगा। क्या लगता है इसको मार पाएंगे नहीं। भाई देखो यहाँ पे छुप के ये बंदा देख रहा है। यहाँ पे लगा देते लैंडमैन, मैंने यहाँ पे चार लैंडमैन लगा दिया। लेकिन भाई इस बंदे को देखो यहाँ पे कोने से आ गया। चलो मैंने इस बंदे को तो यहाँ पे डाउन कर दिया है। इसको जल्दी से पहले यहाँ पूरा मारते हैं क्योंकि मेरी हेल्थ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। अब मैंने यहाँ पे इसको ही पूरा मार दिया। लगता है इसका एक अकेला टीममेट था वो यहाँ से भाग चुका है। तो चलो हम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं पहले। और भाई यहाँ पे देखो मैं भाग ही रहा था लेकिन भाई यहाँ पे देखो पीछे तरफ से मुझे फायरिंग की आवाज़ आने लगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से गाड़ी मोड़ ली और भाई देखो सामने यहाँ पे एक बंदा भी आ चुका है। पीछे जोन आ रहा, लगता है ये बंदा यहाँ पे जोन क्रॉस कर रहा है। पहले इसको मारते हैं। अबे भाई साहब, भाई मेरा ग्लूवॉल पता है काफ़ी ज़्यादा ही है। मैंने इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया और लो भाई मैंने इस वाले बंदे को यहाँ पे डाउन कर दिया। इसको मैंने ड्रैगन से मारते हैं और लो भाई मैंने इस वाले बंदे को मार दिया। इसी के साथ यहाँ पे हो चुकी है 21 लाइफ और भाई तुम्हारे भाई के यहाँ पे हो चुकी है पूरी 4 किल। अब चलो चलते हैं बिना किसी देरी के और आगे क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जोन अभी आ चुका है और भाई यहाँ पे मेरी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। चलो बिना खरीद के आगे चलते हैं। पहले जोन में लोग करेंगे क्रॉस। अबे भाई साहब, अबे भाई देखो एक बंदा नॉक हो गया। लगता है ये बंदा वही लैंडमैन वाला है। चलो चलते हैं इसको पूरा मारने। लेकिन भाई साहब ये बंदा भी कहाँ पे होगा क्योंकि भाई वहाँ पे तो जोन आ चुका होगा। लेकिन चलो बिना किसी तरीके हम लोग यहाँ पे जब भी गाड़ी से चल लेते हैं क्योंकि भाई साहब वो बंदा शायद अभी वहाँ पे नॉक ही पड़ा, शायद उसके टीममेट उसको रिवाइव ना करे हो। तो हम लोग यहाँ पे बिना किसी तरीके, अभी भाई देखो लॉन्च पैड हुआ कि भाई क्या ही बंदे हैं यार, अगल बगल हर तरफ में बंदे हैं। भाई देखो ये बंदा शायद वही बंदा है क्योंकि ये लोग अभी वहाँ पे जोन क्रॉस करें। चलो इसको मारते हैं। मैंने इसको गाड़ी से यहाँ पे उड़ाया, चलो इसको मारे पूरा। और भाई मैंने एक बंदे को यहाँ पे कर दिया डाउन लेकिन इसकी पूरी स्क्वाड भी यहाँ पे आ गई है। अब भाई देखो ये बंदा अदर दुनिया में मेरे ऊपर मार रहा है, मैंने इसको हल्का और डैमेज दे दिया। अब भाई साहब देखो क्या चालक बंदा है। पहले यहाँ पे इस बंदे को मारते हैं पूरा क्योंकि भाई साहब अगर इसका टीममेट को रिवाइव कर देगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आ जाएगी। भाई यहाँ पे लगता है एक और स्क्वाड आ चुकी है। पहले यहाँ पे जल्दी से गाड़ी लेके थोड़ा सेफ परमानेंट कवर में चलेंगे। और भाई मैं परमानेंट कवर में आ गया हूँ। अब इन जिमकांडी लोग को देखना मैं कैसे मारता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे लगता है दो स्क्वाड आ चुकी है क्योंकि देखो ये बंदे यहाँ पे मुझे भी डैमेज दे रहे हैं और पीछे भाई देखो मेरी एक स्क्वाड ऑलरेडी है। तो हम लोग चलो यहाँ पे चलते हैं थर्ड पार्टी करने। सामने एक बंदा मुझे मार रहा है, इस बंदे को वन टैप मारने की कोशिश करेंगे लेकिन भाई वन टैप इसको नहीं पड़ा इसलिए इसको यहाँ पे बॉडी शॉट के साथ मार दिया है। अब ये बंदा पे नॉक हो गया और एक बंदा उन लोग को देखो सामने वाली स्क्वाड का दूसरी स्क्वाड से गया लड़ने। हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के चले हैं क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किल करना है, नहीं तो भाई बिना किल करे मज़ा नहीं आता। सामने एक बंदा है, चल उसको मारते हैं। इसको मैं तीन गोली मार के कर दिया है नॉक लेकिन भाई ये आखिरी बंदा है लगता है इस स्क्वाड का। चलो हम लोग इस वाले बंदे को भी मारते हैं क्योंकि भाई, अभी भाई देखो ये मेरे ऊपर मार रहा है रस काफ़ी ज़्यादा। भाई साहब ये प्रो बंदा है मेरे ख्याल से। इसको मैंने हल्का डैमेज यहाँ पे दे दिया। इसके बाद MP40 चल उसको मारे और लो भाई मैंने इस बंदे को यहाँ पे मार दिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पे मेरी 8 किलो हो चुकी। अबे भाई साहब, भाई रुक तो जाए दो यार, अभी भाई क्या ही बताओ। चलो आप यहाँ पे लॉन्च पैड लगाते हैं। अब भाई जल्दी से हम लोग यहाँ पे दो मेडकिट बांध लेंगे क्योंकि भाई जोन काफ़ी ज़्यादा बुरा है, हम लोग को काट रहा है। भाई साहब इसके बाद हम लोग तुरंत यहाँ पे जल्दी से लॉन्च पैड छोड़ के भाग जाएंगे नहीं तो भाई सामने और स्क्वाड हम लोग को ओपी तरीके से मार देगी।
और भाई मैं देखो यहाँ पे जोन को तो पूरा कवर कर लिया हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे अभी अगल बगल भी मेरे बंदे और पीछे वाले बंदे हो, तो भाई मैं अपना बदला लूँगा बाद में। भाई ये गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई है कि है पता नहीं भाई, चलो इसको बाद में देखेंगे। सामने भाई देखो वैसे एक बंदा यहाँ पे आ चुका है, मैंने इस बंदे को डैमेज दे दिया। भाई साहब ये गाड़ी तो यार फंसी हुई है, चलो कोई बात नहीं। अभी पहले यहाँ पे भाई एकदम इन सर्कल होने वाला है, तो हम लोग को इन सर्कल से पहले यहाँ पे जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा। अब भाई मैं यहाँ पे कोई ढूंढ रहा हूँ एकदम सेफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोन एकदम छोटा होने वाला है और मैं यहाँ पे अकेला रहूँगा तो कोई बंदा मुझे मार सकता है। चलो देखते हैं भाई, अलाइव यहाँ पे 13 हो चुकी है। सामने से बंदे हैं तो हम लोग पहले इन वाले बंदे को मारने के पूरा ट्राई करेंगे। भाई साहब रुको रुको रुको, एक सेकंड, सामने वाला बंदा मुझे ही मार रहा था भाई, मुझे लगा ये अलग अलग स्क्वाड है। नहीं रुक जाओ सर, ये अलग ही अलग स्क्वाड थी, ये बंदे सर आपस में यहाँ पे फाइट करेंगे। तो रुको एक बंदा इन लोग को उतरा, अब रुको भाई साहब इसको तो मैं मार नहीं पाया, अगला वाला उतरने दो, अगले वाले को मारूंगा। इसको मैंने हल्का डैमेज दिया, एक गोली इसको मैंने मारा, भाई मर जा पे भाई, ये दूसरे स्क्वाड का सेट था। चलो इसको मारते हैं, और भाई लोग मैंने यहाँ पे दूसरे बंदे की किल कर दिया है चोरी। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, बिना किसी देरी के और आगे चलेंगे, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे इसके स्क्वाड के और भी बंदे होंगे। अभी भाई देखो सामने से फिर बंदा मारने लगा, भाई अगर अब मैं यहाँ पे रहूँगा तो शायद मैं यहाँ पे मर भी जाऊँ, लेकिन भाई डैमेज बढ़ाना भी तो जरूरी है। चलो इस बंदे को पहले थोड़ा डैमेज दे देते हैं, एक गोली मारा, दो गोली मारा, भाई इसने यहाँ पे लगा लिया ग्लू वॉल। अब हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग भाई जल्दी से लगा लेंगे लॉन्च पैड और सामने वाले घर के ऊपर चलेंगे, वो भी चुप कैसे। सामने वाले बंदे को पता नहीं ना पे भाई साहब बंदा देखो डैमेज देने लगा। भाई देखो एकदम कोने में आके यहाँ पे अटक गया हूँ, भाई पीछे से बंदे डैमेज देने लगे, अब भाई सामने ही बंदा, भाई मैं फंस चुका हूँ। अब लग रहा है मेरा यहाँ मैच बोया नहीं हो पाएगा, चलो देखते हैं भाई हो पाता है या नहीं बोया। भाई अगर आप लोग अभी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो जरूर से मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबाना ना भूलना। भाई देखो अभी यहाँ पे सारे बंदे मुझे घेरे के मार रहे हैं और अगर भी काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड है अब, लेकिन मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब अगर मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो ये बंदे यहाँ पे मुझे मार देंगे। एक बंदे एकदम मेरे सामने ही है, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक परमानेंट कवर में चलेंगे। भाई यहाँ पे वॉल लगा ली है अब, भाई लेकिन यहाँ पे मैं एक चालाकी करने वाला हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो कॉर्नर में हल्की सी जगह खाली है। मैं इस अभी भाई बंदा, अबे भाई साहब कैसे ने कहते करके भाई मैंने यहाँ पे इस बंदे को तो मार दिया है, लेकिन भाई ये बंदा आया कहाँ से, लगता है ये मेरी लॉन्च पैड से आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे चुपके चुपके से वाली बाउंड्री पे चढ़ेंगे और यहाँ पे चल के इस बंदे को पीछे से हमला बोल देंगे। भाई देखो मैं यहाँ पे पीछे सबसे आ चुका हूँ और ये बंदे को अभी नहीं पता है। रुको 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 रुको, भाई ये बंदा देखो सामने आया, ये लगता है ना अभी भी लैंड हुआ। इसके बाद यहाँ पे GAT ने, चलो तो इसको तो मारना बनता ही है। मैंने इस वाले बंदे को यहाँ पे कर दिया डाउन और चलो इसको जल्दी से पूरा मारते हैं। और लो भाई यहाँ पे मैंने इसको डैमेज दिया, लेकिन भाई ये पूरा क्यों नहीं मरा है, चलो ये मर जाएगा पूरा। पहले हम लोग भाई देखो सामने जो बंदा है इस वाले हम लोग को मारना है और हम लोग को सीढ़ी पास से रास्ता भी रोकना है। हम लोग पहले यहाँ पे लगा देते हैं लैंडमाइन। अभी भाई देखो बंदा भी आ गया, भाई क्या ही मतलब बंदे हैं यार। मेरी 11 किल चलो हो चुकी है और अलाइव हो चुकी है 5। भाई यहाँ पे एकदम यहाँ पे इन सर्कल हो चुका है, अगर हम लोग जोन में जाएंगे तो कोई बंदा मार देगा। मैंने यहाँ पे बिना फालतू के एक मेडकिट बांध लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे अगल बगल काफ़ी ज़्यादा बंदे भी हैं, तो वो बंदे मुझे मारे उससे पहले यहाँ पे मैंने मेडकिट बांध लिया है। भाई यहाँ पे देखो मैंने अपना लैंडमाइन लगा दिया, कोई बंदा आएगा तो वो बंदा तुरंत मर जाएगा। तो देखते कोई आता है या नहीं। भाई मैं हल्का यहाँ पे फायर भी कर रहा हूँ ताकि कोई बंदा यहाँ पे ऊपर आ जाए। एक बंदा आया ऊपर, इसको अगर 75 पर डैमेज पड़ा, और भाई मैंने इस वाले बंदे को भी कर दिया डाउन। लगता है भाई ये आखिरी स्क्वाड है, पहले यहाँ पे इस वाले बंदे को मारते हैं। अभी भाई भाग गए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब वो वैसे भी रिवाइव हो नहीं पाएगा। भाई अभी यहाँ पे एक आखिरी स्क्वाड बची है, क्या लगता है वो ये हो पाएगा या नहीं। मैंने यहाँ पे लैंडमाइन फूट गया, तो चलो वॉल जाए तो वैसे भी कौन आएगा ऊपर। वैसे भी भाई देखो सामने यहाँ पे बंदा है, तो पहले सामने, अभी भाई पीछे से आ गया भाई। काश मैं यहाँ पे ग्लू वॉल लगा देता, इसको चलो मारते हैं, इसको मैंने कर दिया डाउन। अभी भाई जल्दी से मेडकिट बांधना पड़ गया, मेरी हेल्थ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। भाई ये लगता है उसके टीममेट है। अबे भाई साहब क्या इन लोग ने IQ लगा के मारा। चलो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, वीडियो करते यही पिन। अगर आप लोग को इन लोग का IQ और मेरी गेम प्ले अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोग को ऐसी और भी गेम प्ले चाहिए तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो, मैं इसका पार्ट 7 भी ले आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।